दिन जी पत्ते खुल गए सारे। फ्राइडे शाम पापा मम्मी मेरे पास आए, पापा कहते यार हम सोच रहे दो दिन ना तीर्थ स्थान हुए, जरा हरिद्वार हुए, गंगा मैया में डुबकी लगाए, थोड़े पाप धोएं, एनी प्रॉब्लम? मैं नो प्रॉब्लम, अंधा के मांगे दो आंखें, मैं घर खाली करो ग्रोवर साहब जल्दी। ये देखो मेरे माँ बाप 200 किलोमीटर दूर जाएंगे, कपड़े पहन के वहां नदी में नहाएंगे, हैं पहले तो चेन पकड़ेंगे डूब ना जाएं, फिर नाक पकड़ेंगे अपने, हर हर गंगे हर हर गंगे, हैं अपना नाक खाली करेंगे वहां पे। मी मी ऑन द अदर हैंड, मैं यहां अपनी अपनी गर्लफ्रेंड अपनी गंगा के साथ नहाऊंगा। मैं बता रहा हूं मैं एक्साइटेड है। सैटरडे सैटरडे 7 बजे आए मेरे पास, कहता है ऐसा है हम जा रहे हैं, घर का ध्यान रखियो। मैं ठीक है ओके टाटा बाय। 7 बजे मेरे घर वाले घर से निकले, 7:05 पे मैच उधर से बाहर। मैंने किया फोन, मैं कहा हाँ गंगा सॉरी बेबी, मैं कहा मैं आ रहा हूँ आज सारा दिन साथ में स्पेंड करेंगे, तुम्हारे लिए बढ़िया से फ्लावर्स लेके आ रहा हूँ, वो है ना दिल्ली में शॉप्स फर्न्स एंड पेटल्स, उसके बाहर जो भिखारी बच्चे गुलाब बेच रहे होते हैं 5-5 रुपये का एक गुलाब, 10 गुलाब पैक कराए गाड़ी के अंदर, वो एम्बिप्योर वाला रोज़ फ्लावर वाला परफ्यूम था वो छिड़का, 50 रुपये का लवली महकता हुआ बुके तैयार। असी जिथे जावांगे कड्डी मोड़ांगे, आज कोई ट्रैफिक नहीं नारायणा के फ्लाईओवर पे। मैं जा रहा था, पापा का आया फ़ोन, कहते हाँ कहाँ है, मैं कहा वो मैं सो रहा था, कहते यार वो हमारे अग्रवाल साहब नहीं थे सीए, मैं कहा हाँ जी यार उनकी ना मदर की डेथ हो गई है, मैं कहा हो अफसोस हुआ, कहते यार अफसोस करने जाना, मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहा मेरा वीकेंड मत खराब, कहते यार तेरे को कुछ नहीं कह रहे हम वापस आ रहे हैं, मैं पापा रुको रुको सुनो सुनो, अरे वापस क्यों आ रहे हो, 2 दिन बाद अग्रवाल साहब ने वहीं तो आना है। मैं वहीं मिल लेना ना माता जी से, चुप कर यार वापिस आ रहे हैं हम। मेरी ना किस्मत में इन्हीं के साथ नहाना लिखा है। किया मैंने फोन अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं सुनो वो अग्रवाल साहब की मदर की ना डेथ हो गई है, ये जैसे तुम कब आ रहे हो, मैं कहा यार बंदा बेशरम होना चाहिए, शर्म तो आनी जानी चीज़ है, मैं इसको मैं बताई क्यों रहा हूँ, अग्रवाल साहब का परिवार पूरा पहाड़ी से गिर के मर जाते, इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैं कहा नहीं वो एक्चुअली प्रोग्राम शायद कैंसिल करना पड़ेगा, पापा मम्मी वापस आ रहे हैं। कहती तुम मतलब ये कह रहे हो कि तुम नहीं आ रहे, और जो तुमने फ्लावर्स मेरे लिए लिए थे वो तुम मुझे नहीं दोगे? मैं कहा ये फूल तो मेरे ऊपर ही चढ़ने हैं अभी थोड़ी देर में। खैर उस वक्त जवानी का जोश गया, फटाफट गर्लफ्रेंड को फ्लावर दिए, मिला गाड़ी वापस भगाई आ रहा था, रस्ते में फ़ोन भी आ रहा था माँ बाप का, मैंने उठाया नहीं, मैं ठीक है यार बोल दूंगा, मैं टूरे खाने चला गया था। मैं घर पहुंचा, ऐसे लिफ्ट से बाहर निकला, जोर जोर से दरवाजा खटखटा, खोल 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 खोल, मैं कोई हुई घर की चाबी तो मेरे पास है, मोबाइल देखा 13 मिस्ड कॉल है, मैं कहा मेरा तो आज 13वां पक्का है। मैं कहा ठीक है भाई अब जो होगा देखी जाएगी, बाहर निकलते हैं। मैं क्या बाहर, मैं कहा जी क्या हुआ, कहा था माँ जब आधे घंटे से जून के महीने में घर के बाहर खड़े हम, वो मैं भटूरे खाने चला, तो फोन क्यों नहीं उठाया, मैं कहा वो मैं नारायणा के फ्लाइवर, कहते इधर आ जा यार तू आज, कहते तू इधर आ जा, कहते तू इधर इधर बैठ जा तू आज, कहते यार हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें पता है तेरा चक्कर चल रहा है, तू हमें बता दे हम करवा देंगे, हमें कोई इतराज नहीं। आप देख रहे हो मैं उनको फ्रस्ट्रेशन के उस पॉइंट पे ले आया कि ना कि तो ऑप्शन ही खत्म हो गई। फिर मैंने खोले पत्ते, मैं कहता है बहुत ठान लड़की है, वो भी रिक्रूटर मैं भी रिक्रूटर, कास्ट नो प्रॉब्लम, उच्च कोटि की ब्राह्मण है, मैं दो ही प्रॉब्लम है, कह क्या, मैं कहा वो बंगाली ब्राह्मण है, कहते वो बंगाली हम पंजाबी, तो मेरा सवाल ये हुआ भाई ये तो इंटरकास्ट हुई फिर, मैं कहा मेरा जवाब ये है कि मैं पापा ही कहना बंद कर दूंगा आपको कल से, मैं कहा इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन मत पूछो। कहा दूसरी प्रॉब्लम, मैं कहा वो ये है कि मैं अगस्त बॉर्न वो मई बॉर्न, कहा चल 3 महीने बड़ी है, मैं कहा 3 नहीं 2 साल 3 महीने, मैं कहा वो 81 मैं 83, फिर तेरे को कोई और नहीं मिली, मैं कहा बस जो ईश्वर की कृपा। कहते जी घर पे कौन कौन है, मैं उसके पापा मम्मी छोटी बहन, छोटी बहन कितनी छोटी है, मैं कहा 1 साल छोटी होगी मुझसे, तो ला यार उससे करा देते हैं। मैं कहा मजाक चल रहा है यहाँ पे, सिक्का उछाला हेड भी आ गया टेल भी आ गया, यही है बात आगे बढ़ाओ अब। खैर फास्ट फॉरवर्ड पेरेंट्स की बात होनी शुरू हुई, जनवरी 2010 की दोनों पेरेंट्स के बीच में हुई मीटिंग फिक्स, मेरे इन लॉज ने आना था पटना से, आने से एक दिन पहले उसके पापा का मेरे पापा को आया फ़ोन, ग्रोवर साहब हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं बच्चे अपने हाँ नहीं नहीं कोई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ओके, और नहीं आ रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे, मैं सुन लिया क्यों नहीं आ रहे, कुत्ता बीमार हो गया उनका, कुत्ता बीमार हो गया, उनकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ की, उनको डॉगी चाहिए या दमाद चाहिए।
उस दिन हमारे घर में सिर्फ कुत्ता डिस्कस हुआ है। पापा डॉगी दमाद कर रहे थे, मम्मी ने अपना रिदम ढूंढ लिया। बंगालियों ने बोलो कुत्ते नाल कुड़ी का ब्याह करा देन, कुत्ते नाल कुड़ी का ब्याह करा देन। मैं कहा मम्मी बस बस अंडरस्टैंड, हो गया कुत्ता बीमार उनका यार, अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना है मैंने बेटा, कुत्तों का उन्होंने तो ट्रक के नीचे आके मर जाना है एक दिन। मैं कहा मम्मी गली का ना कालू लंगड़ा कुत्ता नहीं है, पाला हुआ कुत्ता उनका अपने। मैं कहा फॉर गॉड से चिल, इंजेक्शन कुत्ते की ढोई पे लग रहे हैं, उछल हम रहे हैं, रिलैक्स। खैर 15 दिन बाद उनका फोन आया, कहते हम आ रहे हैं। देखो पंजाबी की ना दो बड़ी अच्छी क्वालिटीज होती हैं। क्वालिटी नंबर वन, बात को ना दिल पे नहीं लगाते, दे मूव ऑन, नया दिन नई शुरुआत। पापा ने अच्छे से उनका वेलकम किया, आइए आइए गांगुली साहब, आइए वेलकम 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 होम, आइए आइए बैठो बैठो बैठो, क्या हाल चाल है आपके कुत्ते के। पंजाबी इसकी दूसरी क्वालिटी, बातें भूल जाते हैं, ताने मारना नहीं भूलते, महारत हासिल है हमें ताने मारने में। मतलब बाबू मशाए कंफ्यूज कि उनको अच्छा लगना चाहिए कि कुत्ते का हालचाल पूछा, या इस बात का महसूस होना चाहिए कि उनका हालचाल ही नहीं पूछा। पापा मेरे गांगुली साहब आप आए नहीं ना उस दिन, आपने एक दिन पहले फोन करके मना कर दिया, हमें बड़ा हर्ट हुआ है। हम उस दिन सोच रहे थे बहू रानी आएगी, बहू रानी की बातें होएगी, हमारे घर में बहू की बातें नहीं, उस दिन सिर्फ बहू बहू है हमारे घर में। मैं बहू बहू कर रहा था, अंकित बहू बहू कर रहा था, मम्मी तो खैर इसकी हाँ करती ही रहती है। क्या हुआ क्या था कुत्ते को आपके? मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा एक्जिमा की प्रॉब्लम। अच्छा एक्जिमा, अच्छा अच्छा ये खुजली वाला, वो हमारे आलू वालिया साहब है सेकंड फ्लोर पर, उनके कुत्ते हुए एक्जिमा, दो दिन में मर गया वो। खैर फिर मैंने कहा चलो यार नाउ लेट मदर्स डू द टॉकिंग। तो उसकी मम्मी से पूछा मेरी मम्मी ने, भाभी जी क्या सोचा है फिर आपने शादी का? हमने क्या सोचा है, हमारी तरफ से तो ना है, हम तो अपना बेटी को पहले कह दिए हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करना ही नहीं है, और पंजाबी से तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे बाबा हमारा तो हार्ट सिंक कर रहा है ये सोच सोच के, हमारा बेटा पंजाबी से शादी करेगा। भाभी जी ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, हमारा बेटी आपका बेटा को सिर्फ फ्रेंड मानती है, वो जाता है दिल्ली से नोएडा उससे मिलने, हमारी बेटी नहीं आती है, तो हमारी तरफ से तो ना है।